नमस्कार दोस्तों, आज है 9 मई 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग कल की क्लास के लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखेंगे। कल की क्लास के लास्ट में मैंने पूछा था पुडुचेरी जो भारत का एक यूनियन टेरिटरी है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है, पुडुचेरी, करैकल, यानम और महे। जिसमें पुडुचेरी और करैकल ये तमिलनाडु के पास है, यानम आंध्र प्रदेश के पास है और महे केरला के पास है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स अप्रूवल ऑफ फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन टू चिल्ड्रेन एजेस 12 to 15। इस देश ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की गई है कैनेडा गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कैनेडा देश की सरकार ने यह घोषणा की है कि वह अपने देश में 12 से 15 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइजर का नाम आया है। तो फाइजर एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। और फाइजर का नाम रखा गया था इसके फाउंडर चार्ल्स फाइजर के नाम पे। तो फाइजर के को फाउंडर थे चार्ल्स फाइजर, उन्हीं के नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया है। और इसकी स्थापना 1849 में की गई थी। फाइजर कंपनी जो कि एक फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन है यूएसए की, यह स्थापना 1849 में की। तो यहाँ पे नाम आया है कनाडा का। तो कनाडा की कैपिटल ओटावा है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं और कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, वहां पे कनाडा में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वह एक मोनार्क होता है, लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वह प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे इंडिया में होता है ना, इंडिया में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो ऐसे कनाडा में भी जो हेड ऑफ स्टेट है वह वहां का मोनार्क होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां का प्राइम मिनिस्टर। और कनाडा देश की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वह पूरी दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो कनाडा की इंटरनेशनल बाउंड्री लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शेष नारायण सिंह डाइड रिसेंटली, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, हु वॉज ही। शेष नारायण सिंह का अभी हाल में निधन हो गया है, वह कोविड-19 से पीड़ित थे, वह कौन थे। तो शेष नारायण सिंह एक वेटरन जर्नलिस्ट थे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार थे, इनका अभी हाल में निधन हो गया है। ठीक है, कोविड-19 की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी आपका सही है। तो यहाँ पे जिक्र आया है कोविड-19 का, तो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम जान लेते हैं कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 ध्यान रखिएगा ये डिसीज का नाम है ना, इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिसीज। ठीक है, तो कोविड-19 ये डिसीज का नाम है और किस वायरस की वजह से डिसीज होती है। तो वायरस का नाम है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, ये वायरस का नाम है, इस वायरस की वजह से ये कोविड-19 डिसीज होती है। ठीक है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, सार्स कोव 2, ये वायरस है, इसकी वजह से जो डिसीज होती है उस डिसीज का नाम है कोविड-19। और वायरस को इसका फुल फॉर्म होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, इसको आसान भाषा में हम लोग कोरोना वायरस कह देते हैं। इसका फुल फॉर्म है ये सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या सार्स कोव 2। ठीक है, और सार्स कोव 2 जो है ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ध्यान रखिएगा सार्स कोव 2 ये आरएनए वायरस होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच कंट्री इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड स्टारलिंक विच इज अ सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टिलेशन। किस कंपनी द्वारा स्टारलिंक का निर्माण किया जा रहा है जो एक उपग्रह इंटरनेट तारामंडल है। तो यह निर्माण किया जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, तो ये स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट नेटवर्क होगा जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से इंटरनेट सप्लाई देगा, है ना। तो इसका निर्माण किया जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन। ये अमेरिका की एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना 2002 में हुई थी और इसके फाउंडर हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क की ये कंपनी है स्पेस एक्स, और एलॉन मस्क का टारगेट है मार्स को कॉलोनाइज करना, मार्स को ह्यूमंस के रहने लायक बनाना और वहां पे ह्यूमंस
ह्यूमंस को भेजना, ये टारगेट है एलोन मस्क का, ठीक है, उनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हु हैव लॉन्च्ड ऑपरेशन कोजीत। ऑपरेशन कोजीत किसने शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन शुरू किया गया है भारत की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी आपका सही है, भारत के सशस्त्र बल के द्वारा ऑपरेशन कोजीत की शुरुआत की गई है, ठीक है। और यह ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया है? तो यह COVID-19 से निपटने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि COVID-19 से निपटने के लिए मेडिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना ना, मेडिकल सिस्टम को मजबूत बनाना और ऑक्सीजन सप्लाई चेन को भी मजबूत बनाना, ठीक है, ये ऑपरेशन कोजीत का उद्देश्य है। इसके अलावा यह ऑपरेशन जो है जो स्टार्ट किया गया है, यह लोगों के मेंटल वेलबींग को भी ध्यान रखेगा और मेंटल वेलबींग को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जिक्र आया है आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया का, तो भारत में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वे MM नरवने हैं, ठीक है, MM नरवने भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं RKS भदौरिया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री परमिटेड विच स्टेट गवर्नमेंट टू यूज ड्रोन्स फॉर एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ कोविड वैक्सीन्स। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड टीकों के प्रयोगात्मक वितरण के लिए किस राज्य सरकार को ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है? यह अनुमति प्रदान की गई है तेलंगाना स्टेट को, ठीक है, भारत के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने तेलंगाना स्टेट को यह परमिशन दिया है कि वह ड्रोन का उपयोग करते हुए कोविड वैक्सीन को डिलीवर कर सकता है, ठीक है। तो भारत के मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी भारत के मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड। प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो यह बनी है ताहिरा कुतुबुद्दीन, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम व्यक्ति बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी आपका सही है, ताहिरा कुतुबुद्दीन ये मुंबई में बॉर्न हुई थी, मुंबई में पैदा हुई थी, लेकिन इस टाइम पर इनको USA की सिटीजनशिप मिल चुकी है। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन प्रोफेसर हैं अरेबिक लिटरेचर की, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरेबिक लिटरेचर की ये प्रोफेसर हैं और इनको 15वें शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, तो इसी बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है और यह अवार्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गवर्नमेंट के द्वारा शेख जायद बुक अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड द सिनोफार्म COVID-19 वैक्सीन इमरजेंसी यूज। इन विच कंट्री दिस सिनोफार्म COVID-19 वैक्सीन वॉज डेवलप्ड? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिनोफार्म COVID-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। किस देश ने यह सिनोफार्म COVID-19 टीका विकसित किया है? तो यह टीका विकसित किया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, WHO गेव इमरजेंसी यूज लिस्टिंग टू सिनोफार्म बीजिंग्स COVID-19 वैक्सीन, मेकिंग इट द सिक्स वैक्सीन टू रिसीव WHO वैलिडेशन फॉर सेफ्टी इफिकेसी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो सिनोफार्म एक चाइनीज फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन है, ठीक है, और ये छठवीं ऐसी वैक्सीन होगी जो कि WHO के द्वारा वैलिडेट की गई है। तो यहाँ पे जिक्र आया है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक हेल्थ के लिए और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और WHO के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानोम, टेड्रोस एधानोम WHO के करंट डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्चुअल मीटिंग विद द हेड ऑफ स्टेट्स आर गवर्नमेंट ऑफ ऑल 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट।
सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के साथ आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किया है नरेंद्र मोदी ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ईयू और भारत के बीच एक बैठक हुई है। यह बैठक पुर्तगाल कंट्री के द्वारा होस्ट की गई थी और यह बैठक कैसी हुई है? यह बैठक हुई है वर्चुअल, है ना। पहले इसको वर्चुअल नहीं, मतलब लोगों को फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना था, लेकिन कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से इस बैठक को आयोजन वर्चुअली किया गया है और इसके होस्ट रहे हैं पुर्तगाल देश के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, जो पुर्तगाल देश है यह ईयू का वर्तमान में प्रेसिडेंट है, जो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल होती है उसका वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? पुर्तगाल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैठक हुई है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया, भारत का इसमें रिप्रेजेंटेशन किया, तो इसमें ईयू और भारत के बीच में कुछ एग्रीमेंट और कुछ निगोशिएशन हुए हैं और टोटल 3 एग्रीमेंट हुए हैं। ठीक है, जिसमें ट्रेड ट्रेड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। और यहाँ पर जो बैठक हुई है ईयू और भारत के रिप्रेजेंटेटिव श्री नरेंद्र मोदी के बीच में, उसका उद्देश्य था कि कॉपरेशन को इंक्रीज करना इन एरिया ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ईयू और भारत के बीच म्यूचुअल कॉपरेशन को इंक्रीज करना यह इस बैठक का उद्देश्य था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑन विच डेट सिंको डी मेयो सेलिब्रेशन हेल्ड एनुअली। सिंको डी मेयो उत्सव किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह उत्सव मनाया जाता है 5 मई को। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी आपका सही है। सिंको डी मेयो इज एनुअल सेलिब्रेशन हेल्ड ऑन मे 5, विच कमिमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ मेक्सिकोस विक्ट्री ओवर द फ्रेंच एम्पायर एट द बैटल ऑफ इबला इन 1862। 1862 में एक बैटल हुआ था, इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ इबला। इस बैटल में मेक्सिको ने फ्रांस के साम्राज्य को हरा दिया था, मेक्सिको ने फ्रांस को हरा दिया था और यह जीत मेक्सिको की हुई थी 5 मई को। तो प्रतिवर्ष 5 मई को मेक्सिको में सिंको डी मेयो उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपका सी सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ऑन विच डे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है और जो यह दिवस अभी 2021 में मनाया गया, इसका थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सोर लाइक द बर्ड, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2021 का थीम था, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन जीन हेनरी ड्यूनांट, इनका जन्मदिवस होता है। जीन हेनरी ड्यूनांट ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना करी थी, तो इन्हीं के जन्मदिवस पर रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे इसका नाम है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है और 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे भी मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज न्यू लोकायुक्त ऑफ गोवा। गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो एएच जोशी ने गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एएच जोशी कौन है? एएच जोशी ये फॉर्मर जज रह चुके हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। ठीक है, उनको गोवा का नया लोकायुक्त बनाया गया है और महाराष्ट्र और गोवा के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोशियारी, उन्होंने उनको इस पद की शपथ दिलाई है। यहाँ पे जिक्र आया है गोवा का, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। गोवा की कैपिटल पणजी है, पणजी गोवा की कैपिटल है और गोवा के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सालिम अली बर्ड सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये सालिम अली बर्ड सेंचुरी है यह गोवा में है और एक सालिम अली नेशनल पार्क भी है। सालिम अली नेशनल पार्क यह जम्मू एंड कश्मीर में है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप इसमें थोड़ा सा क्लियरली रखिएगा कि जब सालिम अली नेशनल पार्क का नाम आए तो आप बताएंगे कि यह जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जब सालिम अली बर्ड सेंचुरी का नाम आए
तब बताएंगे यह गोवा में। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। हु टॉप्ड आईसीसी मेन टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग, आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने टॉप किया है? तो केन विलियमसन ने आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप किया है। ठीक है, आईसीसी जो रैंकिंग जारी करता है उसमें टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में केन विलियमसन शीर्ष पे रहे हैं। ओडीआई बैट्समैन में बाबर आजम शीर्ष पे रहे हैं। T20 इंटरनेशनल बैट्समैन की रैंकिंग में डेविड मलान ये शीर्ष पे रहे हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, डेविड मलान इंग्लैंड के हैं, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं। और टेस्ट और ओडीआई में टॉप रैंक्ड टीम है न्यूजीलैंड, और T20 इंटरनेशनल में टॉप टीम है इंग्लैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड टेस्ट और ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में टॉप पे है और T20 में इंग्लैंड टॉप पे है। तो यहाँ पे जिक्र आया है आईसीसी का, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन है, और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी है। मनु साहनी आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको करवाए हैं 12 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो क्लास के लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन है, वेयर डज सालिम अली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा है और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है GS एंड करंट अफेयर्स बाय ब्रजेश कुमार वर्मा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।